अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप ईबे पर ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट किस तरह से सर्च कर सकते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप प्रोडक्ट अमेजोन से ले रहे होते हैं, अमेजोन पर ही सर्च कर रहे होते हैं, और जो आप बेस्ट सेलर में प्रोडक्ट मिलती है वो आप ईबे पर लाकर चिपका देते हैं। लेकिन उसका एक नेगेटिव साइड ये है कि बहुत सारा कंपटीशन उसमें आ चुका होता है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी वो प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हैं, बहुत सारे न्यू बीज रूकी जो होते हैं वो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग यू। बिकॉज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि आप भी न्यू बी होंगे और आप भी कोई ऐसा मेथड ढूंढ रहे होंगे जिससे आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकें और एक अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च कर सकें। बाय द वे, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर ओनली न्यू बीज। अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल इवन आप एक्सपर्ट ड्रॉप शिपिंग में, तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें थोड़े से अपने पर्सनल मेथड जो मैं यूज़ करता हूँ ड्रॉप शिपिंग के दौरान वो वाले मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से एक आम बंदा जो स्टार्ट में प्रोडक्ट ढूंढता है, वो जाता है यहाँ पर amazon.com पर और सिंपल कहाँ जाता है, वो जाता है बेस्ट सेलर्स में। बेस्ट सेलर में जाने के बाद वो यहाँ से कोई भी रैंडम कैटेगरी जो उसके जहन में है कि अगर उसको पेट्स पसंद है और अगर उसको लगता है, वो ऐसे इंडिविजुअल अपनी सोच लेकर चलता है कि मुझे क्या पसंद है और मुझे मेरी समझ में क्या आ रहा है। वो कभी भी टूल्स की कैटेगरी में जाएगा, वो कभी नट बोल्ट्स की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि उसको वहाँ पर समझ नहीं आ रही होगी कि क्या क्या प्रोडक्ट है, कैसी प्रोडक्ट है। वो हमेशा जाएगा पेट्स की कैटेगरी में, होम एंड किचन की कैटेगरी में, होम अप्लाइंसिस की कैटेगरी में, तो ताकि उसको भी मसलन पता चले कि प्रोडक्ट्स कैसे हैं। तो इस वजह से जो है हर बंदा यही काम कर रहा है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है। इंडीड ईबे पर ये चीज़ें बिकती हैं, लेकिन कंपटीशन भी उतना ज़्यादा है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंपटीशन कम और प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो हाई है, इस तरह ही प्रोडक्ट कैसे आप सर्च करने हैं। तो पहले देख लेते हैं कि आप लोग किस तरह से, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस तरह से ही सर्च कर रहे होंगे। किचन सॉरी किंडल स्टोर पर क्लिक कर दे, किंडल स्टोर पर नहीं, किचन स्टोर पर मैंने क्लिक करने वाला था। कोई प्रोग्राम देख लेते हैं यहाँ पर, अगर किचन एंड डाइनिंग में देख लेते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, इंडीड दे आर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, दे आर हॉट प्रोडक्ट, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये देखें आप रिव्यूज़ देख सकते हैं इनके बहुत ज़्यादा हैं और हर बंदा रिव्यूज़ नहीं देता। ये बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं प्रोडक्ट्स, अमेजोन पर भी सेल हो रही हैं और ईबे पर भी सेल हो रही है। रिमेंबर डायरेक्ट मैं amazon.com पर हूँ, तो मैं amazon.ebay.com पर ही जो है वो प्रोडक्ट अप्लाई करने वाला हूँ, इस वजह से मैं amazon.com पर हूँ। अगर मैं यूके की मार्केट में होता तो मैं amazon.co.uk पर होता। आई होप कि आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो मैं यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट लेता हूँ और ईबे पर चला जाता हूँ, और जैसे ही मैं ईबे पर सर्च करूँगा मुझे प्रोडक्ट रिजल्ट्स मिल जाएंगे, प्रोडक्ट सेल भी हो रही होगी, बहुत सारे कस्टमर्स भी होंगे, रिव्यूज़ भी होंगे, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारा कंपटीशन भी होगा, जो कि एक साथ ही साथ बहुत सारा कंपटीशन भी होगा जो कि न्यू बी को ऊपर नहीं आने देता। मसला यही है कि अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने किस तरह से ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा लो हो और प्रोडक्ट डिमांड भी बहुत ज़्यादा हाई हो। तो उसके लिए मैंने एक वेबसाइट जो है, ये टूल्स की वेबसाइट है, ठीक है। आप यहाँ से बहुत सारे टूल्स का नया नया आइडिया ले सकते हैं। यहाँ से आप, जाहिर बात है आपको नाम तो नहीं आता होगा जो आप यहाँ पे टूल सर्च करने लग जाएंगे, तो ये एक मेथड है। आप हार्बर फ्राइड वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त टूल्स हैं। अगर आपने ही टूल यहाँ से सर्च करके अमेजोन पर सर्च करने हैं और अमेजोन सर्च करने के बाद आपने वो अमेजोन के टूल्स जो होंगे वो ईबे पर लिस्ट कर देने हैं, एक ये मेथड है। और दूसरा ये डायरेक्ट यहाँ से आप सर्च करें और यहाँ से ही जो सोर्स करें, यहाँ यही लिस्टिंग को आप अपने ईबे पर जाकर चुका दें, ये भी एक तरीका। ठीक है, अब मैं जाता हूँ डिपार्टमेंट्स में और कोई भी यहाँ से मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, हैंड टूल्स के प्लायर्स या कुछ भी इस तरह सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये टूल्स अप्लायर्स का तो मेरा ख्याल अब पता होगा आप लोगों को, इस तरह की चीज़ निकालते हैं जो आप लोगों को कभी आपने सुनी भी ना हो और फिर उसको ईबे पर सर्च करेंगे। लाइक क्या क्या मैं जाता हूँ, सेफ्टी बिल्डिंग पेंटिंग का भी, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में, प्लम्बिंग में देख लेते हैं, प्लम्बिंग टूल्स में देख लेते हैं और कोई मिल जाए। ये कोई लग रहा है मुझे टूल, वो देखते हैं, डबल ट्यूब क्लियरिंग टूल किट, इसको सर्च करता हूँ ईबे पर। अगर ये ईबे पर चल रही है, ट्रेंडिंग है, तो उसको देखते हैं क्या सीन है इसका। अच्छा जी, कुछ पोस्ट हमें मिली हैं, 228 रिजल्ट मिले हैं सेम इसी के।
ये कीवर्ड यूज़ करने के, और इसका मतलब है ये कि ड्रॉप शिपिंग के लिए बंदा कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, अगर कर भी रहा हो तो उसने इतना टाइटल ऑप्टिमाइज़ कर लिया होगा। लेकिन ये शेप देख लें आप इसकी, याद कर लें इसको, और तकरीबन सेम शेप है लेकिन उस बॉक्स में डाला हुआ है। और स्पॉन्सर्ड वाली को छोड़ देते हैं, ये भी स्पॉन्सर्ड है, इसकी देखते हैं इस बंदे की विक्की है। अब 1124 पीसीज ये बंदा भेज चुका है, ठीक है। अब आते हैं नीचे, लो जी लगता है मुझे एक प्रोडक्ट मिल गई है, आपको बताते बताते मैं लिस्ट करूँगा, ठीक हो गया। ये देखें इसकी 547 प्रोडक्ट बिक चुकी हैं। ज़ाहरी बात अपने अपना क्राइटेरिया देखना है कि आपने किस तरह प्रोडक्ट सर्च करनी है, ये नहीं कि किसी की बिक रही है तो आप जाके उसको अपनी लिस्ट स्टार्ट कर दें। अच्छी तरह उसको चेक करें, कितनी सेल हो रही है, कितने दिनों में आपको कितने में मिलेगी, आपने कितने में सेल करनी है, कितने में सेल हो रही है, कितने पैसों में सेल हो रही है ईबे पर, आपने सब चीज़ें देखनी है। इसकी जैसे जैसे मैं नीचे आता जा रहा हूँ वैसे वैसे कम नहीं हो रही सेल, हो रही है। देखें ना, ये सेम प्रोडक्ट है किस्म की अगर आप देखें इमेज में, लेकिन ये बंदा यहाँ से नहीं कर रहा क्योंकि इमेज चेंज है, लेकिन प्रोडक्ट सेम है, वही सामान है, वो टूल्स वगैरह। तो या वो हमें पता भी नहीं है क्या चीज़ है, मुझे तो नहीं पता स्पेशली, आपको पता नहीं है लेकिन मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, तो लेकिन ये सेल हो रही है ईबे पर। तो आपने इस तरह के प्रोडक्ट ढूंढनी है जो सर्च आप एक आम बंदा जाके सर्च ना कर सके अमेजोन पर या फिर ईबे, सॉरी अमेजोन पे, किसी और भी वेबसाइट पर, हत्ता कि ईबे पर, जो बंदा जिसको पता है वही कर पाए। तो इस तरह से कंपटीशन लो होगा और जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा होंगे, जैसे कि मैंने प्रैक्टिकल में भी आपको दिखा दिया हुआ है। अब यही प्रोडक्ट मैं अमेजोन पर सर्च करके देखता हूँ क्या सीन है, अमेजोन पर कितने का बिक रहा है, ये पेस्ट करते हैं इसको। अभी मैंने प्राइसेस नहीं देखी ईबे पर, प्राइसेस का भी अभी एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से आपने लिस्ट करना है। कम 240 कितनी है, देखें 228 जो है लिस्टिंग यहाँ पर शो हो रही है, मैं बाय इट नाउ और फिल्टर वगैरह लगाकर और भी कम हो जाएंगी। तो ज़ाहरी बात है हर बंदा यही इतनी सर्च करता है, आपने अपना टाइटल अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है, वो किस तरह करना है फ्री में वो भी मैं बताता हूँ। अब अमेज़ोन पर अगर देखें तो अमेज़ोन पर $23 में सेल हो रही है और यहाँ पर हमें $24 में ये मिल रहा है, और मेरे ख्याल इसके साथ बॉक्स भी है, हाँ है बॉक्स भी इसके साथ, ये बॉक्स वाली देख लेते हैं अगर खुल जाए तो। ये देखिए जी बॉक्स में ये 24 में 23.97 सेंट्स और 25 डॉलर्स में हमें यहाँ पर मिल रही है। तो हम डेफिनेटली यहाँ से तो नहीं लेंगे क्योंकि हमें अमेज़ोन पर सस्ती मिल रही है, लेकिन हम और भी सप्लायर की वेबसाइट पर चेक करेंगे कि कहाँ से हमें सस्ती मिल रही है। हम वहाँ से, हम इस वेबसाइट से हार्बर फ्राइड से हम सिर्फ आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। तो हम यही प्रोडक्ट हम किसी और वेबसाइट से भी सोर्स कर सकते हैं जहाँ से हमें थोड़ा सस्ती मिले, डिस्काउंट में मिले, चीप प्राइस में मिले, हम वहाँ से भी सोर्स कर सकते हैं, ठीक है। ये अमेज़ोन पर भी अच्छी खासी सेल हो रही है जैसा कि आप देख सकते हैं, अच्छी खासी तो नहीं लेकिन सेल हो रही है। तो इसको हम सोर्स अब जो करेंगे वो करेंगे किसी और वेबसाइट से, अली एक्सप्रेस चेक कर लेते हैं अली एक्सप्रेस पर कितने की बिक्री है ये प्रोडक्ट। याद रहे कि अली एक्सप्रेस से आप जो US का वेयर हाउस है वहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कई बार वो आपको शिपिंग भी फ्री दे देते हैं और शिपिंग भी आपको 1 वीक के अंदर अंदर हो जाती है। तो चाइनीज़ वेयर हाउस चूज़ करने के बजाय आप जिस कंट्री की मार्केट प्लेस में वहाँ वो वाला वेयर हाउस सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट प्लेस में हूँ तो मैं वो सेलेक्ट कर लूँगा। तो अली एक्सप्रेस में सेम टूल हमें $20 का मिल रहा है, और ये देखें ये 188 किस तरह से इसने लगाया हुआ है, 145 मेरा ख्याल है ये वेरिएशन का चेंज होगा, इसमें इतना कोई डिफरेंस नहीं है प्रोडक्ट में। उतने पैसे आपके शिपिंग पे लग जाएंगे, और बहुत सारे लोगों ने अगर हम ईबे पर देखें तो फ्री शिपिंग दी हुई है $21 में। तो आई थिंक आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी इस प्रोडक्ट को सेल करने में। ये देखें इस बंदे ने दी हुई है $5 की शिपिंग है और 16.99 है, तो तकरीबन इसका भी 21 बन गया 22 या 22 बन गया। तो शिप्ड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम है ये बंदा, ठीक है। तो हमने भी फ्री शिपिंग देनी है, मैं रिकमेंड करता हूँ न्यू अकाउंट्स को क्या फ्री शिपिंग दिया करें, इससे आप लिस्टिंग जो है वो बूस्ट होती है, टॉप पर रैंक करती है, एक बार कंसिडर करता है, फ्री रिटर्न दिया करें, फ्री शिपिंग दिया करें। उसके लिए आप जो है वो अमेज़ोन का सप्लायर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अमेज़ोन में आपको प्राइम, अमेज़ोन प्राइम अभी जब आप यूज़ करेंगे तो आपको कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा रिटर्न करने में, अगर आपको बायर जो ईबे का है वो आपको कहता है कि जी भाई जी मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं है या कुछ कुछ भी इशू है
तो आप रिटर्न करें, आपने गलत भेजी है तो आप चुप करके अमेजोन पर आएँ, वो रिटर्न करें, उससे पैसे अमेजोन से पैसे पकड़े, उसको पकड़ा दें, ठीक है। लेकिन अली एक्सप्रेस जो है वो दूसरी बात, अमेजोन प्राइम 2 दिन में शिपिंग देता है आपको, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो अली एक्सप्रेस को रिटर्न करवाने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस पर भी हमें अच्छे रेट मिले, हम जाएंगे फीजे पर, फीजे अच्छा ये वेबसाइट्स नोट्स करते जाएँ, सप्लायर्स की वेबसाइट है, आपने भी ये नोट कर लें, किसी जगह पर लिख लें, याद कर लें कि जब प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हो आप डिफरेंट वेबसाइट पर इस तरह चेक कर सकते हैं। मैं बहुत सारी वेबसाइट बताऊँगा कौन कौन से अच्छे सप्लायर्स हैं, ये तो बहुत कॉमन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हम आगे पढ़ेंगे हम आप मैं आपको बताऊँगा कौन सी बेस्ट वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप शिप कर सकते हैं। एज ए न्यू बी मैं आपको बता यही कहूँगा कि आप ऐसी प्रोडक्ट रिसर्च करें जो अमेजोन पर सस्ती बिक रही हो, क्योंकि अमेजोन पर जो है आपको कोई इतना परेशानी नहीं होगी रिटर्न्स में, शिपिंग में। तो स्टार्ट में आप इन वेबसाइट्स पर, जो छोटी वेबसाइट्स हैं, सीजे भी बड़ी वेबसाइट है, अली एक्सप्रेस भी छोटी, में आपको आगे बताऊंगा, वहाँ पर आप स्टार्ट में ना जाइएगा, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एनीवेज मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ सेम प्रोडक्ट एंड सी वट वी हैव फाउंड। लोड हो रहा है, नहीं वो प्रोडक्ट नहीं हमें मिली, वो सेम प्रोडक्ट नहीं मिली, कुछ और आ गया, वो प्रोडक्ट नहीं हमें मिली सेम, नहीं जी। हम जाएंगे बैंगलोर पर, बैंगलोर पर जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं, अगर कहीं से भी ना मिली तो हम इसको स्किप कर देंगे, हम कोई और प्रोडक्ट देख लेंगे। बहरहाल आई होप कि आपको जो आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से आपने देखना है, अगर कोई इसको देख लेते, थोड़ा सा और देख लेते वेबसाइट्स पर, अगर ना मिली तो और जाके इसको हम देखते हैं। बैंगलोर का सर्विस सर वैसे मुझे बहुत बुरा लगता है। एनीवेज वेफेयर पर देख लेते हैं, वेफेयर के बाद हम वॉलमार्ट पर देख लेते हैं, वेफेयर पर मुश्किल ही है, वॉलमार्ट पर देख लेते हैं वेफेयर पर, क्योंकि वो टूल्स नहीं इतना ज़्यादा सेव करते वेफेयर वाले, वॉलमार्ट पर देख लेते हैं, वॉलमार्ट पर अगर हमें कुछ मिलता है तो मैं चेक कर। ओके ये देखिए वॉलमार्ट पर हमें भी सेम प्राइसिंग मिल रही है, तकरीबन $23 में मिल रहा है, 3 प्लस 3 डेज शिपिंग है, ठीक है, 21-23 इसी प्राइस रेंज में मिल रहा है, कोई अच्छा प्रॉफिट मार्जिन नहीं आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि ईबे पर भी यही सेल हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि अगर आप इसको लिस्ट करते हैं तो आपको जो है ये 34 वाला भी सेल हो रहा है, 32 सोल्ड हो गए हैं, तो ये थोड़ा सा आप देख लिया करेंगे, सेल हो जाती हैं प्रोडक्ट्स, लेकिन कुछ जो हैं अगर आपकी प्राइस लो होगी तो ज़्यादा सेल होगा, डेफिनेटली बात है, लेकिन कम प्राइस वाले भी यहाँ पर, ज़्यादा सॉरी ज़्यादा प्राइस वाले भी यहाँ पर सेल हो रहे हैं, अगर इसको देखी जाए तो इसकी अभी तक कोई सेल नहीं हुई, यानी कि इसकी टाइटल ऑप्टिमाइज नहीं हुआ जो ऊपर सर्च में नहीं आया, ठीक है, जैसे इसकी सेल भी नहीं हो रही, दूसरे की प्राइजेज भी हाई हैं। तो हम अगर आपको ये अच्छी प्राइस में अपने सप्लायर से नहीं मिल रहा तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं यहाँ से, ये देख लेते हैं, ये क्या लॉन्ग रीच ओस ओस ग्रिप प्लायर्स, इसको कॉपी करता हूँ, 3 पीसेस भी सारा लिखा हुआ इस बंदे ने, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, आप कीवर्ड चेंज कर सकते हैं, कीवर्ड चेंज करके रिसर्च कर सकते हैं, लॉन्ग रीच होल्स को आप कर सकते हैं, रीच होल्स को ग्रिप और प्लायर्स 2 पीसेस 3 पीस, रिजल्ट डिफरेंट होंगे, कंपटीशन भी डिफरेंट होगा, प्राइसेस भी डिफरेंट होंगी, अब इस तरह से भी कर सकते हैं, फॉर द सेक ऑफ वीडियो मैं आपको ये बता रहा हूँ ऐसे, अगर आपको बेसिक सा आइडिया हो सके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये भी प्रोडक्ट अच्छी खासी बिक रही है, मुझे बाहर से देख के पता चल गया, लेकिन अगर आप यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर आपको मिल रही है $15 में, और जाहरी बात है शिपिंग कॉस्ट डालकर आपको शिपिंग कॉस्ट भी पड़ेगी, मेरा ख्याल है कि बंदा ये बंदा शिपिंग नहीं देता फ्री, लेकिन हम इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पर भी सर्च करेंगे और दूसरी वेबसाइट्स पर भी सर्च करेंगे। अच्छा जी ये सेम प्रोडक्ट है, ये देखें 3 पीसेस वाली सेम प्रोडक्ट है, एक ही फ़ोटो है इसकी नीचे, लेकिन इधर देखते हैं हम, इसने भी एक ही फ़ोटो मेरा ख्याल अपलोड की हुई है और ये कॉपी पेस्ट मार रहा है आई गेस, मेरा जहाँ तक मेरा आइडिया, ये ड्रॉप शिपर है हमारी तरह का,
इसकी प्रोडक्ट देखते हैं कितनी सेल हुई है। इसकी जो फरवरी में नहीं हुई, फरवरी के मंथ में, लेकिन मैं फैब देखूँ तो 2021 के फैब में हुई है सेल, लेकिन अब जो है वो सेल नहीं हो रही इसकी प्रोडक्ट। इसको छोड़ देते हैं, कोई और देखते हैं, अगर बिक रही है वरना किसी और प्रोडक्ट की तरफ चले जाएंगे। प्रोडक्ट सेम नहीं है लेकिन मिलती जुलती है। अब मैंने जैसा कि अब बताया कि आपने भी कीवर्ड चेंज कर लेने हैं अपने, टाइटल ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। इसकी फैब में सेल हो रही है लेकिन ये बंदा यूनाइटेड किंगडम का है, तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पर फिल्टर भी लगा सकते हैं कि US में ओनली बंदा होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ और ही है, ये देख लेता हूँ। नहीं, इसकी कोई सेल नहीं। बहरहाल अगर आपकी प्राइस कम होगी इन सब से, और अगर आपको टाइटल ऑप्टिमाइज होगा और टॉप पर रैंक कर रहे होंगे, तो आपकी प्रोडक्ट ये भी बिकने के चांसेस हैं। ये भी बंदों की प्रोडक्ट सेल हुई हैं। अभी बेसिक सा आइडिया मैंने आपको देना था कि आप टूल्स में जाएं, इसको थोड़ा सा टाइम दें, टूल्स वाले वेबसाइट के, हार्बर फ्राइड को। मैंने ईबे पर ऐसे ऐसे टूल्स देखे हैं जो 3-3, 4-4 हज़ार बंदों ने सेल की हुई है उनकी, और आप जितना मर्जी स्क्रॉल करते जाएं हर बंदे की वहाँ पर सेल्स हैं। मैंने ऐसे टूल्स भी देखे हुए हैं, और बेस्ट कैटेगरी है टूल्स की, ईबे पर बहुत सेल होते हैं। आप यहाँ पर आइडिया आपको देना है, मैं नहीं कहता कि आप यहाँ से शिप करें, यहाँ से ही जो सोर्स करें प्रोडक्ट्स को, आइडिया सिर्फ लें यहाँ से, अमेजोन पर सर्च करें उनको। अगर अमेजोन से अच्छी प्राइस मिल रही है अमेजोन से कर लें, सीजे पर मिल रही है सीजे से कर लें, अली एक्सप्रेस से मिल रही है अली एक्सप्रेस से कर लें, बैंगूर से, वेफेयर से, वॉलमार्ट से, किसी से भी आप कर सकते हैं जहाँ से आपको अच्छी प्राइस मिल रही है और अच्छी शिपिंग प्राइस मिल रही है, अच्छा सप्लायर है बंदा वो, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से सिर्फ आइडिया लें, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से करें, इस पर थोड़ी सी रिसर्च कर लें, यहाँ से भी आप कर सकते हैं हार्बर फ्राइट से। नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है टाइटल ऑप्टिमाइजेशन। टाइटल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है आपने, चलें उसका नेक्स्ट वीडियो पर कर लेते हैं। कल परसों मैं दोबारा यही नेक्स्ट वीडियो पर कर दूँगा। अगर आप थोड़ा लेट देख रहे हैं तो मैंने कर दी होगी, वो आप प्ले लिस्ट में चेक कर लें। ठीक है, तब तक के लिए हाफिज़, बाय बाय।